आज हम देखेंगे ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम बहुत सीधा और सरल है और ये नियम ये बताता है कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है या बैड मनी ड्राइव्स गुड आउट। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 16वीं शताब्दी में ये देखा कि सिक्कों की ढलाई में काफ़ी खोट आ गई है, तो उन्होंने नए सिक्के बाज़ार में डलवाए जिनका पूरा मूल्य रखा गया था, लेकिन जो ही नए सिक्के बाज़ार में आए और वे तुरंत चलन से बाहर हो गए, तो महारानी ने इस स्थिति की जांच का काम एक अंग्रेजी व्यापारी और अपने सलाहकार थे सर थॉमस ग्रेशम उनको दिया और उन्होंने ये ग्रेशम का नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा जब घटिया और बढ़िया सिक्के साथ साथ चलते हैं और उनका अगर दोनों का अंकित मूल्य समान है तो घटिया सिक्के बढ़िया सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि यदि एक व्यक्ति के पास नया और एक पुराना सिक्का है तो और दोनों का अंकित मूल्य अगर समान है तो बिल का भुगतान करते समय वह व्यक्ति पहले घटिया सिक्के को काम में लेगा और अच्छे सिक्के को अपने पास में रखेगा। तो ये इनका ग्रेशम का नियम है। द्विधातुमान की अवस्था में स्थिति में अगर देखें तो सोने और चांदी दोनों के सिक्के साथ चलते हैं और यहाँ पर भी ग्रेशम के नियम का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि अगर एक औंस सोने का सिक्का 15 औंस चांदी के सिक्के के बराबर है और इसे टकसाल और ये 1:15 ये इसकी टकसाल दर या मिंट रेट कहलाती है। अब मान लीजिए किसी कारण से एक औंस सोने का सिक्का 18 औंस चांदी के सिक्के के बराबर हो जाता है, ये बाजार दर कहलाती है। और ऐसी स्थिति में लोग सोने के एक औंस सिक्के को गलाकर बाज़ार में 18 औंस चांदी के सिक्के में बेचकर 3 औंस चांदी का फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, जिससे बाज़ार में सोने के का सिक्का गलाने के कारण गायब होने लगेगा और चांदी का सिक्का चलन में रह जाएगा। इसी तरह कागजी मुद्रा और सिक्कों के भी एक साथ चलन में रहने के कारण कागजी मुद्रा घटिया मानी जाती है और कुछ दशाओं में सिक्कों को चलन के बाहर कर देती है। द्वितीय महायुद्ध के समय भारत में सिक्कों का अचानक अभाव हो जाने से कागजी मुद्रा का अधिक उपयोग किया जाने लगा और लोग सिक्कों का संग्रह करने लग गए। सिक्कों का अपना कुछ वास्तविक मूल्य भी उस समय हुआ करता होता है, इस कारण कागजी मुद्रा की तुलना में वो बढ़िया मुद्रा माने जाते हैं। इस प्रकार कुछ दशाओं में कागजी मुद्रा सिक्कों को चलन से बाहर करने का काम कर सकती है। ग्रेशम का नियम कैसे काम करता है ये हम देखें। जब बढ़िया मुद्रा और घटिया मुद्रा एक साथ चलन में होती है और कानूनी दृष्टि से वैध मानी जाती है तो इसके तो ये तीन तरह से हो सकती है कि बढ़िया मुद्रा, पहला तो है कि बढ़िया मुद्रा का संग्रह कर लिया जाए और चलन में खाली घटिया वस्तु घटिया मुद्रा रह जाए। दूसरा है बढ़िया मुद्रा को गलाकर उसका उपयोग जेवर बनाने या अन्य कलात्मक कार्यों में किया जाने लगता है क्योंकि उसके अंदर धातु का अंश ज़्यादा होता है और ऐसा उस दशा में होता है जब बढ़िया सिक्कों और घटिया सिक्कों का अंकित मूल्य एक सा होता है, तब बढ़िया मुद्रा सिक्कों को गलाकर काम में लेने से लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, तो बढ़िया मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है और घटिया मुद्रा चलन में रह जाती है। तीसरा होता है जब दो देशों में स्वर्णमान हो और एक देश अपने आयातों का भुगतान दूसरे देश को पूरे वजन वाले नए सिक्कों में करना चाहेगा और पुराने और घटिया सिक्कों का उपयोग घरेलू सौदों के लिए करना चाहेगा, तो इस प्रकार अच्छी मुद्रा विदेशों में चली जाएगी और घटिया मुद्रा देश में चलन में रह जाएगी। अब ग्रेशम के नियम का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों से क्या तालमेल है ये अगर हम देखें तो यों तो ग्रेशम का नियम हमें देखने में बड़ा सरल और सीधा लगता है, लेकिन आधुनिक ऊंची मुद्रा स्फीति वाली अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों को समझने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। जैसे 1970 के दशक में चिली में मुद्रा स्फीति के कारण वहाँ सिक्कों में धातु तत्व का मूल्य उन सिक्कों के अंकित मूल्य से ऊंचा हो गया था,
ऐसी स्थिति में लोगों ने सिक्के गलाने वालों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे चलन में केवल कागजी मुद्रा रह गई थी और कागजी मुद्रा का प्रयोग छोटे छोटे भुगतानों के लिए किया जाने लगा था। यहाँ तक कि माचिस की डिबिया भी कागजी मुद्रा से खरीदी जाने लगी। वैसे आजकल जो सिक्के हमारे चलन में होते हैं उनमें अंकित मूल्य का बहुत थोड़ा अंश होता है, इसलिए वो टोकन मुद्रा के रूप में ही कार्य करते हैं। तो इस नियम की सहायता से ऊंची मुद्रा स्फीति वाली अर्थव्यवस्था और बंदी विनायक दर वाली अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को समझने में भी मदद मिलती है। अब हम देखें ग्रेशम के नियम की सीमाएं। ग्रेशम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, जिसमें पहला है कि ग्रेशम का नियम लागू होने की पहली शर्त ये कि घटिया मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। अगर लोगों की मांग के अनुरूप घटिया मुद्रा की पूर्ति नहीं है तो वो अपनी मुद्रा की पूर्ति अपनी मांग की पूर्ति अच्छी मुद्रा से करेंगे, तो ऐसे में ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा कि अच्छी कि घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, अच्छी मुद्रा भी तब चलन में रहेगी। दूसरा है कि जब लोग घटिया मुद्रा लेने से इनकार कर देते हैं तब भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता है। जब सिक्कों में या हमारी मुद्रा के अंदर समान अंकित मूल्य है तो घटिया मुद्रा लेने से कोई भी व्यक्ति मना कर सकता है, और यदि व्यक्ति मना कर देते हैं तो मजबूरन अच्छी मुद्रा को ही चलन में आना पड़ता है। तीसरा है कि नियम के लागू होने के लिए ये भी मान लिया जाता है कि लोग उत्तम मुद्रा और घटिया मुद्रा में स्पष्ट रूप से अंतर कर सकें। अगर लोग नासमझी से दोनों तरह की मुद्रा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और दोनों मुद्राएं साथ चलती हैं तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता है। हालांकि व्यवहार में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोगों को पता चल जाता है कि इनमें क्या अंतर है। चौथा है, बैंकिंग प्रणाली के विकास से ग्रेशम नियम लागू होने पर रोक लगी है, क्योंकि लोग बैंकों में घटिया और बढ़िया दोनों तरह की मुद्राएं जमा करा सकते हैं और बैंकों की तरफ से इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है, तो ग्रेशम का नियम भी यहाँ लागू नहीं होता है। तो इस तरह से ग्रेशम का नियम लागू होने के लिए उपरोक्त शर्तों का होना आवश्यक भी है, ये सीमाएं भी और ये शर्तें भी है, तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो वास्तव में घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि हर व्यक्ति अच्छी चीज़ को अपने पास रखना चाहता है, तो वो अच्छी मुद्रा को हमेशा अपने पास रखना चाहेगा, चाहे वो बैंक से निकले हुए कड़क नोट हो। अगर नए नोट और पुराने नोट दोनों नोट व्यक्ति के पास होते हैं तो व्यक्ति हमेशा पुराने नोट को चलाना चाहता है, चाहे उनमें कोई मूल्य है या नहीं है। स्वर्णमान में तो पूरा मूल्य हुआ करता था, लेकिन धातु मुद्रा मान के खत्म होने के बाद पत्र मुद्रा मान में ये पत्र मुद्रा हमारी एक टोकन मनी की तरह से रह गई है। तो इसमें हालांकि हम ये तो नहीं कहते कि इनका मूल्य अलग है, तो जिसका मूल्य कम है वो घटिया मुद्रा है या जिसका मूल्य ज़्यादा है वो बढ़िया मुद्रा है, क्योंकि यहाँ सबका मूल्य समान है। लेकिन व्यक्ति हमेशा अच्छा नया नोट अपने पास रखना चाहेगा और जो पुराना फटा पुराना नोट है उसको वो बाज़ार में चलाना चाहेगा। तो ये क्योंकि हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित नियम है, इसलिए ये नियम अभी भी लागू होता है।